हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट। ये वीडियो हमारा गेस्ट नंबर 5 के लिए है, साइंस 2 के लिए। यहाँ पर कंप्लीट सोल्यूशन देखेंगे हम क्लास 10 के लिए। अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने जितने ग्रुप है व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में इसको शेयर कीजिए। अगर आपको इसका PDF डाउनलोड करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, और अगर आपने मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम फॉलोइंग। ड्यू टू विच सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक हनी बी एंड कॉकरोच आर इंक्लूडेड इन द सेम फाइलम। क्या सिमिलरिटी है दोनों में कि दोनों को सेम फाइलम में रखा गया है? तो आंसर है जॉइंट अपेंडेजेस। नंबर 2, ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम मॉलिक्यूल टू ऑफ DNA टू mRNA इज कॉल्ड एज प्रोसेस। हमने ये पेपर में और देखा है पहले, ट्रांसक्रिप्शन। साइट्रिक एसिड यूज इन प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस टॉफीज चॉकलेट्स इज ऑब्टेन बाय द फर्मेंटेशन ऑफ डैश बाय एस्परिंगलस नाइगर। तो यहां पर हमारा आंसर आएगा शुगर मोलेसेस। व्हाट विल यू डू इफ यू डोमेस्टिक गैस सिलेंडर बस्ट? सो कवर विद सिलेंडर विद बेडशीट। हमने इससे पहले भी ये क्वेश्चन देखा है। द सोलर लैम्प यूज द डैश एनर्जी, सो लाइट एनर्जी। हो गया हमारे ऑब्जेक्टिव्स। इसका बी देखेंगे, उसमें भी ऑब्जेक्टिव रहते हैं। आंसर द फॉलोइंग। विजडम टीथ तो वेस्टिजियल ऑर्गन है, तो लंग फेज जो है कनेक्टिंग लिंक होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे कनेक्टिंग लिंक। सिलेक्ट द टू ऑप्शन इन द बी ग्रुप। देखो टू ऑप्शन बोला है, सिलेक्ट द टू ऑप्शन इन द बी ग्रुप रिलेटेड टू ए ग्रुप, इन्हें मैच करना है। तो सलाम मुंबई फाउंडेशन, तो ये दो वर्क के लिए काम करता है, एक तो फ्रीडम फ्रॉम टोबैको और हेल्प टू इम्प्रूव स्टूडेंट्स लाइफ। तो हम लगाएंगे यहाँ पर टू ऑप्शन। क्वेश्चन में बोला था सिलेक्ट टू ऑप्शन। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, द डिसीज रिलेटेड विद द सिंथेसिस इन इंसुलिन इज हार्ट डिसीज। ये तो फॉल्स है ना, इंसुलिन के लिए हार्ट डिसीज नहीं होता है। इंसुलिन लेते हैं तो हार्ट डिसीज के लिए लेते हैं, डायबिटिक के लिए लेते हैं ना। आंसर द वन सेंटेंस, आंसर इन वन सेंटेंस। द फॉरेस्ट कंजर्व इन द नेम ऑफ गॉड एंड कंसिडर टू बी सैक्रेट। तो क्या बोलेंगे हम इसको, देवराई, और है ना, देवराई नाम पर एक देवता के नाम पर वो जो जंगल वो जो है फॉरेस्ट का नाम रखा गया। राइट द टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन शोन इन फिगर। ये बडिंग है, क्या है ये बडिंग है, सिंपल आपको बडिंग लिखना है। तो ये एक एक वर्ड के आंसर होते हैं, ये भी ऑब्जेक्टिव होते हैं 5 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का एक गिव साइंटिफिक रीजन। इट इज नेसेसरी टू बैन द यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स। तो हम यहाँ पर आंसर लिखेंगे, तो प्लास्टिक बैग्स आर नॉन बायोग्रेडेबल प्रोडक्ट विच पोज अ सीरियस थ्रेट टू द एनवायरमेंट। नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स डू नॉट डिकम्पोज इजीली एंड दस कीप ऑन एक्युमुलेटिंग इन द एनवायरमेंट। देर आर वेरियस अदर रीजन फॉर विच प्लास्टिक बैग्स शुड बी बैंड। फॉर एग्जाम्पल, प्लास्टिक बैग्स ऑन गेटिंग इन टू ड्रेन एंड सेवियर सिस्टम चोक देम अप रिजल्टिंग इन स्पिलिंग ऑफ डर्टिंग वाटर ऑन द रोड। बर्निंग ऑफ प्लास्टिक बैग्स प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेस विच कैन कॉज हेल्थ प्रॉब्लम। स्ट्रीट एनिमल मे कंज्यूम दीज प्लास्टिक बैग्स विच मे इवन रिजल्ट इन देयर डेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल डिविजन इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सेल एंड ऑर्गेनिज्म। इट इज द मीन ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। द जायगोट विच इज फॉर्म अ सिंगल सेल ट्रांसफॉर्म इंटू एन एडल्ट कंपोज ऑफ मिलियंस ऑफ सेल फॉर्म बाय सक्सेसिव डिविजन्स। इट इज द बेसिस ऑफ रिपेयर फॉर ओल्ड एंड वर्न आउट टिश्यूज। इट इज ऑल्सो रिजल्ट रीजनरेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इट फॉर्म द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन और टू वेरियस लाइफ फॉर्म्स। ये इसका आंसर हो गया, इसका रीजन लिखना था। सेल डिविजन इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ सेल एंड ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट, नाउअडेज सेफर वैक्सीन आर बीइंग प्रोड्यूस। आजकल सेफ वैक्सीन बनाई जाती है, इसका रीजन देना है आपको। बिफोर द एडवेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी द वैक्सीन वेयर मेड फ्रॉम द इनएक्टिव और डेड पैथोजींस ऑफ द डिसीज। जो डिसीज है उसके मुर्दा पैथोजीन से हमको यहाँ पर वैक्सीन बनती थी। सच वैक्सीन यूज टू प्रोड्यूस सम डिसीज सिम्टम्स इज इन सम केसेस, उससे कुछ और दूसरी बीमारी हो जाती थी। द एंटीजन ऑफ डिसीज इज रिसर्च
रिसर्च अबाउट द जेनेटिक कोड इज फाउंड आउट द फोर्थ पॉइंट अ सिमिलर एंटीजन इज मेड इन द लेबोरेटरीज विच इज यूज्ड एज अ वैक्सीन सच वैक्सीन आर मोर thermostable and remain active for longer duration, therefore the vaccines are now safer. Okay, the question is second, B जो है हमारा question number 2 का B, answer the following question any 3, तो ये जो turbine दिया है, उसको देखने हैं, answer the question by observing the following figure, write the name of device shown in the point diagram, write brief the work of device. स्टीम टर्बाइन ये कौन सा टर्बाइन है स्टीम टर्बाइन द एनर्जी सोर्स इज यूज्ड रन द स्टीम टर्बाइन द स्टीम टर्बाइन ड्राइव्स द जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तो ये इसका पूरा ब्रीफली वर्क हो गया जो उसने हमको पूछा था 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है 2 मार्क्स आपको यहाँ पर कैरी हो जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन राइट द फैक्टर अफेक्टिंग एनवायरमेंट तो हम आंसर लिखेंगे द फैक्टर अफेक्टिंग एनवायरमेंट इंक्रीजिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन लीड टू एयर वाटर एंड लैंड पॉल्यूशन पहले ये इन्वायरमेंट को ये अफेक्ट कर रहे हैं दूसरा है लार्ज स्केल ऑफ डिफॉरेस्टेशन जो जंगल काटे जा रहे हैं इज ऑकरिंग फॉर सिविलाइजेशन जो लोगों को बसने के लिए जंगल काटे जा रहे हैं अफेक्ट द इन्वायरमेंट एडवर्सली तो यहाँ से इन्वायरमेंट पर अफेक्ट हो रहा है तो ये 2 पॉइंट्स हम लोग यहाँ लिखना था 2 फैक्टर लिखेंगे 2 मार्क्स मिलेंगे राइट 2 यूजेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड टू ह्यूमन हेल्थ uses of biotechnology related to human health in order to prevent various diseases vaccines are produced artificially by biotechnology ye ek use ho gaya biotechnology is useful for production of hormones like insulin metoropin and blood clotting factors ye do use iske ho gaye now the fourth question identify the class animal shown in the figure write any 2 characteristics so ye class mammalia मेमालिया करैक्टरिस्टिक प्रेजेंस ऑफ मेमरी ग्लांड्स इसमें मेमरी ग्लांड्स होते हैं जिससे वो बच्चों को दूध पिलाते हैं दिस एनिमल्स वेर वार्म ब्लडेड ये गर्म खून के होते हैं बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड नेक ट्रंक एंड टेल बॉडी जो 4 पार्ट में डिवाइड होती है हेड नेक ट्रंक एंड टेल सिंपल बहुत ईजी जो है क्वेश्चन के आंसर मैंने लिखा हो ताकि आपको जो लर्न करने में वो आसानी हो नेक्स्ट राइट व्हाट द साइन इंडिकेट ये तो साइन इंडिकेट क्या होती है उसको लिखना है फ्लेमेबल सब्सटेंसेस मतलब ऐसा सब्सटेंसेस जो फायर पकड़ लेता है इट्स कॉन्टेक्ट विद एयर ऑक्सीजन के साथ इसका कॉन्टेक्ट होता है कोरोसिव सब्सटेंसेस दैट कैन डिस्ट्रॉय द टिश्यूज ऑफ स्किन आई ETC यहाँ पर दोनों के बारे में हमने ये जो साइन दिया था ये साइन किस बारे में है वो लिखना था क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एनी 5 एक्सप्लेन इन ब्रीफ लेमास प्रिंसिपल ऑफ यूज ऑफ disuse of organs. Give 2 examples. What are the acquired characteristics? So the morphological changes occurring in living organism are responsible for evolution and reason behind those morphological changes is activities or laziness of the of that organism. This concept is called the principle of use or deuse of organs. ये इसका आंसर हो गया हमारे पास. Second का देखेंगे the neck of Giraffe has become too long due to browsing on leaves of tall plants by extending their neck for several generations. Wings of bird like ostrich and emu have become weak due to no use. So ostrich कभी उड़ नहीं सकता है, उसकी wings सबको पता है, useless होते हैं. The living organism can transfer the character which it has. acquired to the next generation are called acquired character. So ये हमारे पास what are the acquired character उसकी definition हमने यहाँ पर लिख दिया. Okay, next question देखते हैं हम लोग question number 2. Why some living organism had to perform aerobic and anaerobic respiration? Give example of such living organism. What are 2 steps to anaerobic respiration? तो यहाँ पर answer लिखेंगे. Some organism cannot live in presence of oxygen, hence they have to perform anaerobic respiration for energy production. ये हो गया पहले का आंसर. दूसरे का give example such living organism. तो yeast seeds submerge in water our muscle cells while exercising. तो ये 2 examples दिए हमने, एक seeds के दिए, एक yeast के दिए और एक अपने muscles के दिए. Third, what are the 2 steps of anaerobic respiration? Glycolysis and fermentation are 2 steps of anaerobic respiration.
इफ फ्रॉग पॉपुलेशन इज पैडी फील्ड डिक्लाइन ऑल ऑफ अ सडन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन पैडी क्रॉप नंबर ऑफ विच कंज्यूमर यू विल डिक्लाइन एंड विच विल इंक्रीज नेम द इंडियन स्टेट्स वेयर पैडी इज कल्टिवेटेड ऑन लार्ज स्केल. तो तीनों के आंसर लिखेंगे हम यहाँ पर. पैडी फील्ड पैडी क्रॉप विल रिड्यूस्ड. तो इससे क्या होगा, क्या होगा अगर व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन पैडी क्रॉप पैडी फील्ड डिक्लाइन ऑल द सडन. तो उससे होगा पैडी क्रॉप विल रिड्यूस, कम हो जाएंगे. द नंबर ऑफ स्नेक जो टर्शरी कंज्यूमर है विल डिक्रीज एंड द नंबर ऑफ पेस्ट इंसेक्ट जो प्राइमरी कंज्यूमर है वो इंक्रीज हो जाएंगे. ओके महाराष्ट्र में गोवा केरला कर्नाटक तमिलनाडु ओडिशा वेस्ट बंगाल एटीसी ये इतने स्टेट में जो इंडिया में ये क्रॉप जो है लार्ज स्केल में जो है. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. ऑब्जर्व द फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो. नेम द रिएक्शन. ये जो रिएक्शन है वेयर इज दिस रिएक्शन यूज्ड विच एलिमेंट इज यूज इन इट. द रिएक्शन इज न्यूक्लियर फिशन. दिस रिएक्शन यूज्ड इन न्यूक्लियर पावर प्लांट और इसमें जो विच एलिमेंट यूज इन इट द यूरेनियम 235. सिंपल है, तीन मार्क्स के लिए बहुत छोटा आंसर है, आपको इतना ही लिखना है. एक्सप्लेन इन ब्रीफ डीएनए फिंगरप्रिंट गिव टू एग्जांपल वेयर दिस टेक्निक इज यूज्ड. तो यहां पर लिखेंगे हम डीएनए सीक्वेंस ऑफ ईच पर्सन इज यूनिक एज दैट ऑफ द फिंगरप्रिंट ड्यू टू दिस आइडेंटिटी ऑफ एनी पर्सन कैन बी एस्टैब्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ इट्स अवेलेबल डीएनए. दिस इज कॉल्ड द डीएनए फिंगरप्रिंट. The use of this technology is as follows. Identify of criminal can be established with the help of any part of its body found at the site of crime. आपको पता है, आपने देखा होगा कि जब कहीं पर कोई हादसा होता है, कोई क्राइम होता है, तो उसके फिंगरप्रिंट लेकर, उसके कोई भी पार्ट के फिंगरप्रिंट लेकर हम डीएनए जो है टेस्टिंग कर सकते हैं. Identify of father any child can be established. तो किसी बच्चे का डीएनए लेके फादर को हम डीएनए से मैच कर सकते हैं, बता सकते हैं कि इसका बाप कौन है. तो ये जो है इसका आंसर हो गया. नेक्स्ट देखते हैं हम लोग. ऑब्जर्व द फिगर आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो. टू विच फाइलम दीज ऑर्गेनिज्म बिलोंग. नेम द सब्सटेंस विच देयर बॉडी इज कवर्ड. नेम देयर ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन. तो यहाँ पर लिखेंगे हम दीज ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू द फाइलम इकोडर्मेटा. देयर बॉडी इज कवर्ड विद कैल्केरियस स्पाइन एंड ऑस्केल्स. जिन्हें प्लेट्स ऑस्केल्स बोलते ना. दे परफॉर्म लोकोमोशन विद द हेल्प ऑफ ट्यूब फीट. इनके अंदर ट्यूब फीट बारीक बारीक फीट होते हैं छोटे छोटे, उससे ये परफॉर्म करते हैं अपना जो लोकोमोशन, इन्हें हरकत करते हैं, मूवमेंट करते हैं. एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस. तो ये डिफरेंस है. इन माइटोसिस वन डिप्लॉयड यानी टू एंड पेरेंट सेल फ्रॉम टू डिप्लॉयड डॉटर सेल्स. इन मियोसिस वन डिप्लॉयड पेरेंट सेल फ्रॉम फोर हैप्लॉयड डॉटर सेल्स. डॉटर सेल आर जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट सेल. डॉटर सेल्स आर जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट सेल. माइटोसिस इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ द बॉडी. मियोसिस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो ये डिफरेंट हो गया दोनों में. थ्री पॉइंट्स मिनिमम आपको यहाँ पर लिखना है. एट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड का. नेम द फॉलोइंग मेथड ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट. वट टाइप ऑफ वेस्ट इज यूज इन दिस मेथड. वट काइंड ऑफ यूजफुल सब्सटेंस कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सच मेथड. इससे पहले के जो गेस्ट पेपर है उसमें भी ये क्वेश्चन है, तो मैं यहाँ पर इसको सिर्फ आंसर लिख देता हूँ. तो आपको वो आंसर भी मालूम है, ये आंसर भी सेम आंसर है, तो आप इसको देख सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं. क्वेश्चन नंबर फोर. सॉल्व एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइव मार्क्स के लिए. वट इज बायोटेक्नोलॉजी. गिव वन यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. गिव वन कमर्शियल यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. Write two bacterial example of biofertilizer. Write two names of crop genetically developed. तो पांचों के आंसर लिखना आपको फाइव मार्क्स के लिए. तो पहले देख तो लिखते हैं. Biotechnology is bringing about artificial genetic changes and hybridization in the organism of human welfare. Various branches of science like cytology, biochemistry, molecular biology and genetic engineering are included in biotechnology. तो ये biotechnology का पूरा बारे में डिस्क्रिप्शन हो गया. गिव वन यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. यूज ऑफ प्रोडक्टिव ऑफ सेल्स एग्जांपल प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक एंड वैक्सीन. सेकंड थर्ड वाला. गिव वन कमर्शियल यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी ये कमर्शियल यूज है उसका. बायोटेक्नोलॉजी इज यूज इन एग्रीकल्चर फील्ड टू इम्प्रूव यील्ड एंड वेराइटी. सो फोर्थ वन देखेंगे हम. राइट टू बैक्टेरियल एग्जाम्पल ऑफ बायो फर्टिलाइजर. राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, नोस्टोकोस, एनाबियना
एंड प्लांट लाइक एजोला आर यूज्ड इन बायो फर्टिलाइजर. राइट टू नेम ऑफ क्रॉप जेनेटिकली डेवलप. सो ई है बीटी ब्रिंजल एंड गोल्डन राइस आर टू क्रॉप्स विच इज जेनेटिकली डेवलप्ड. तो ये क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट का आंसर हुआ. सेकंड देखते हैं हम लोग. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास. एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. देखिए थोड़ा सा इसका जो आंसर है थोड़ा सा वास्ट है, मतलब ज्यादा बड़ा है. तो आप इसको अच्छे से थोड़ा सा पॉइंट्स को याद कर लो और इसको एलोबरेट कर लेना तो बेटर वे वही रहेगा आपके लिए. तो चलिए, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स. सबसे पहला है बाइनरी फिशन, और उसके बाद है मल्टीपल फिशन. ये मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको याद कर सकते हो. उसके बाद है नेक्स्ट 1, 2 हो गया ये, और 3 हमारे पास है बडिंग. तो ये 3 प्रोसेस है जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो ये जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. तो स्टूडेंट ये पूरा चैप्टर है आपका. आपको उम्मीद करता हूँ चैप्टर ये वीडियो पसंद आया होगा. पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.